अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। हाँ भाई, कौन बोल रहे हो? हाँ बताइए। आदिल महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र हाँ भाई, कौन? से आदिल। आदिल। हाँ बताइए आदिल भाई, तो वो मैंने आपको कमेंट करके पूछा था ना क्या? कल रात को, वो शर्मगाह को कुछ लोग सुन्नत सुन्नत कहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। शर्मगाह को लोग क्या कहते हैं? सुन्नत मतलब? मतलब ऐसे कुछ। बस अब कल क्या हुआ, तो हमारे घर में एक बच्चे की खतना थी, तो मेरा बड़ा भाई बता रहा था, बोले फिर मैंने वो उसकी सुन्नत की जगह को वो पकड़ लिया, तो मैं तो इसलिए मैं पूछता था उसको सुन्नत कहना ठीक है या नहीं शर्मदा को। देखिए, जो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पैदाइश के दिन, अगर भाई वो लड़का पैदा हुआ है तो 7वें दिन उसका अच्छा सा नाम रखना, उसके बालों को हाँ तराशना, अकीका करना, खतना करना, ये मेरे भाई सुन्नत है। तो हाँ खतना जो ये अमल है ये सुन्नत है, लेकिन जो हाँ हाँ शर्मगाह है वो सुन्नत नहीं है। यानी कि हाँ शर्मगाह को सुन्नत हम नहीं कह सकते। हाँ सुन्नत सही का पूछना था मानना तो होता है मैंने नहीं तरीका नबी सोचा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो नबी का जो मैं कई तरीका है लोग, वो सुन्नत है, शर्मगाह सुन्नत नहीं है। हाँ तो यही जानना था। तो ये हमारे इधर के जो लोग हैं वो हमें क्या तो बच्चों के ऐसे शर्मगा को सुनना सुनना के जिसलिए पूछना था। क्या क्या बच्चों की शर्मगा? हाँ उनको सुनना सुनना कहते थे इधर के लोग। देखिए, बच्चों की शर्मगा को सुन्नत सुन्नत कहना ये मेरे भाई बेवकूफी है। ठीक हाँ है, सुन्नत होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। हाँ ठीक है। शर्मगा एक बॉडी का पार्ट है, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एक बॉडी का भाई वो पार्ट है। अब हम अपनी हाँ आंखों को, नाक को, जुबान को, पेट को, शर्मगा को, पैरों को, उंगलियों को, हम उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई ये सुन्नत है। ठीक है। हाँ हाँ, खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोना, तो ये जो अमल है ये सुन्नत अमल। है। अब हम ये हाँ नहीं कहेंगे कि नहीं भाई ये हाथों का धोना सुन्नत है, तो गया जो हाथ है हाथ ही सुन्नत है। अब हम हाथ को हाथ ना बुला के उसको उसको मतलब जो ये सुन्नत है उसके नाम से बुला रहे हैं। जो शर्मगाह है हाँ बच्चों की, उसको खतने की वजह से हम कह रहे हैं कि भाई ये मतलब ये बच्चे की सुन्नत है। तो शर्मगाह को सुन्नत कहना ये मेरे भाई कहीं से साबित नहीं है, एक नंबर की बेवकूफी है। अच्छा वही पूछना था। अच्छा, वो एलिया आदित्य की हिंदी बुक कौन सी मिलेगी? एलिया आदित्य की बुक कौन सी भाई आपको? हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें नीचे IIF PDF बुक स्टोर है। ठीक है, इकरा लेकिन इंडियन हिंदी में है फाउंडेशन क्या? का IIF PDF बुक स्टोर, हाँ उसकी लिंक आप ओपन करेंगे, उसमें हाँ 1700 से ज्यादा किताबें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर उनवान पे हैं। उसमें अरबी में, उर्दू में, हिंदी में, रोमन में, आपको जो भी चाहिए हर उनवान पे, अक्सर उनवान पे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मौजूद हैं किताबें। और उसमें हदीस की भी हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा, मौत्ता इमाम मालिक। ठीक है, तो उसमें बाद मतलब भाई वो रोमन में भी है, हिंदी में भी, उर्दू में भी है। तो आप उसमें जाके आराम से अपना वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक हाँ है, जो जो आपको अच्छी लगे आप उसको अपना डाउनलोड करते जाइए। सारी लिंक है, उसको ओपन करेंगे, IIF PDF बुक स्टोर के सामने लिंक है, उसको ओपन करेंगे, सारी बुक्स उस एक फोल्डर में है। आप जाके अपना ढूंढते रहिए, इंशाल्लाह आपको जो आपके काम की हो, जो आपको पढ़ना हो, जो तहकीक करना हो, आप अपना उसको मेरे भाई डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।